हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू 5 मिनट केमिस्ट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बाय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। उसका रीज़न बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, द रीज़न बिहाइंड कि आप फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हो। द टेम्परेचर एट विच वाटर, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, वॉट इज कन्वर्टेड टू आइस, हमें लगता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आइस का मतलब सॉलिड है और आपको ये पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में आप क्या करते हो, टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते हो। द पॉइंट इज दैट कि इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर ये डेफिनेशन है तो सॉल्यूट के डालने से, तो जो सॉल्वेंट है आपका वाटर है उसमें आपने सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट के डालने से तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो उसको जल्दी फ्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन वो और ज़्यादा फ्रीज होता है और ज़्यादा कम टेम्परेचर में फ्रीज होता है। मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि मान लेते हैं कि मैं फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को थोड़े से डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ। ये आपका एक कंटेनर है जिसमें वाटर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वाटर जो है या कोई भी लिक्विड है उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर है वो 200 एमएम है। कितना एमएम है? 200 एमएम। आप ये कहते हो कि भी टेम्परेचर आप डिक्रीज करो। अब टेम्परेचर आया टी डिग्री। अब टी डिग्री टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर, अब सॉलिड का वेपर प्रेशर काफ़ी कम है, मान लेते हैं 0.1 एमएम है, अब इतने पे आ जाए तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस सॉल्वेंट पे अगर मैं सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड करता हूँ? सॉल्यूट। तो ये वाला वेपर प्रेशर तो कम होगा, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट को तो बढ़ना चाहिए। ये मैं वो कह रहा हूँ जो बच्चे जनरली सोचते हैं, लेकिन जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने की जगह कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं वाटर लेता हूँ तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री, लेकिन अगर आप वाटर में सॉल्यूट डालो NaCl तो ये फ्रीजिंग पॉइंट -1.2 तक चले जाती है। डिपेंड करता है कि आपने कितना सॉल्यूट डाला, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और कम होते चले जाती है, -1, -2, -3। तो आज के इस सेशन में मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वाई एडिशन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्वेंट, तो उसका रीजन समझते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं। ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है। हम मैंने एक सॉल्वेंट लिया है और एक सॉल्यूशन लिया है, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट आया सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट अगर आप मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसका यहाँ पे आया, सॉल्वेंट का यहाँ आया। देखो ये डिप्रेशन दिख रहा है ना आपको, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF कहते हैं। तो आज की क्लास में मैं डेल्टा TF को नहीं समझा रहा हूँ बल्कि उसका रीज़न एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न समझते हैं। उसके रीज़न क्या, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से एक बहुत बेसिक से प्रिंसिपल से। इस जो डायग्राम है इसको थोड़ी देर बाद देखना, पहले मेरी बात समझना। मान लेते हैं कि मैंने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में वाटर लिया है, H2O, है ना। एक और कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में मैंने क्या किया, वाटर के साथ कुछ सॉल्यूट भी लिए हैं, और सॉल्यूट कोई भी हो, NaCl, कार्बोहाइड्रेट का कोई मॉलिक्यूल, KCl, कोई भी सॉल्यूट। तो यहाँ पे अगर वाटर की एंट्रोपी S है, ध्यान देना क्या है, S। तो जब वाटर आप सॉल्यूशन पे लेते हो तो उसकी एंट्रोपी होती है S-, S और S- में S- की वैल्यू बड़ी होती है। मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन पे जो सॉल्वेंट होता है उसकी एंट्रोपी हमेशा ज़्यादा होती है। इसका मतलब है वाटर और वाटर विथ सॉल्यूट, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। उसका रीज़न क्या है कि जब भी आप सॉल्यूट सॉल्यूशन में डालोगे तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी जो उस सिस्टम पे है, और वो एनर्जी उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की एंट्रोपी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज होती है, फाइन। अब आपको ये पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी, और डेल्टा जी क्या होता है, एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम जीरो। तो यहाँ पे अगर फ्रीजिंग पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो ये टेम्परेचर भी फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर आएगा। तो कैन आई राइट दैट फ्रीजिंग पॉइंट TF कैन बी रिटन एज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे प्रूव कर रहे हैं हम। तो मैंने लिखा है डेल्टा एच फ्यूजन, उसका रीजन है कि आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, और ये डेल्टा TF हमारा क्या है, टेम्परेचर है। अब ध्यान दो, देखो आपने फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी, तो मैंने सॉल्वेंट लिया है, ये सॉल्वेंट की एंट्रॉपी है और ये सॉल्यूशन की एंट्रॉपी है, और इस डायरेक्शन पे एंट्रॉपी इंक्रीज हो रही है। इस डायरेक्शन में एंट्रॉपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अभी मैंने एक्सप्लेन क्या किया आपको कि सॉल्यूशन पे वाटर की एंट्रोपी प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। अब आप सोचो कि आप वाटर H2O लिक्विड को H2O सॉलिड में कन्वर्ट करते हो इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो
तो सॉलिड वाला जो वाटर है उसकी एंट्रोपी तो कांस्टेंट होगी, चाहे वो सॉल्यूशन का है चाहे वो सॉल्वेंट का है। अब हुआ ये कि जब आप प्योर सॉल्वेंट लेते हो तो डेल्टा एस की वैल्यू आई, मान लो डेल्टा एस डैश, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। और अगर मैं सॉल्वेंट लेता हूं तो वो आता है डेल्टा एस। अब ध्यान देना, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? डेल्टा एस डैश। इस ग्राफ से पता चल रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि हम पहले ये प्रूव कर चुके हैं कि सॉल्वेंट की एंट्रोपी सॉल्यूशन पे ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा ले ली है। अब सॉलिड की एंट्रोपी इतनी है तो ये डिफरेंस मैंने डेल्टा एस लिया, ये बड़ा हो गया। अगर ये पार्ट बड़ा हो गया तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? कम। इस वजह से जब आप सॉल्यूट को वाटर में डिजोल्व करते हो तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो रिलेटिवली कम हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट होगा कमेंट पर लिखना, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।